सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कवि कुमार आज़ाद यानी कि डॉक्टर हाथी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके और हम सबको काफ़ी दुख देके और काफ़ी अपने जीवन काल में हंसा कर तारक मेहता का जो शो है उसमें काफ़ी दिनों तक अभिनय करके हम सबके चहेते बने हुए थे। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। उनकी कमी को पूरा करना इस शो में उतना आसान नहीं होगा प्रोड्यूसर्स के लिए, और उनकी जगह पर किसी और को एक्सेप्ट कर पाना भी हम सब के लिए जो दर्शक हैं इस शो के इतना आसान नहीं होगा। कोई भी करेक्टर इतनी आसानी से नहीं बदला जाता, लेकिन अगर भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। तो जैसा कि सूत्रों से पता चला है और कुछ खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर हाथी का जो किरदार है तारक मेहता के शो में, उसको अगर कोई निभा सकता है या उस को डॉक्टर हाथी जितना संजीदा कोई बना सकता है, कवि कुमार आज़ाद जितना संजीदा कोई बना सकता है, तो वो सतीश कौशिक। जी हाँ, नाम आपने सुना होगा, शायद इनको देखा भी हो। काफ़ी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं, काफ़ी ज़बरदस्त कॉमेडियन हैं। वैसे तो किसी भी करेक्टर को भुला पाना या उसकी जगह किसी और को एक्सेप्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये भी अभी ज़रूरी है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता और करेक्टर को आगे लेके जाना है, तो कोई ना कोई तो उस करेक्टर को निभाएगा। और सतीश कौशिक से अच्छा मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसको निभा सकता है। तो शो के प्रोड्यूसर्स ने भी यही सोचा होगा, जहाँ तक खबरें आ रही हैं सतीश कौशिक आपको डॉक्टर हाथी के किरदार में आने वाले एपिसोड्स में दिख सकते हैं। फिलहाल जो शूट डॉक्टर हाथी यानी कवि कुमार आज़ाद के साथ शूट हुए हैं जो एपिसोड्स, वो आपको दिखाई देंगे। उसके बाद नए किरदार में जो आएगा, जो आ सकते हैं इंसान, वो हैं सतीश कौशिक। तो हो सकता है ये खबरें इतनी सही ना हो, लेकिन अगर सतीश कौशिक ये किरदार निभाएंगे तो यकीन मानिए आपको कवि कुमार आज़ाद की कमी महसूस नहीं होगी। यूँ तो उनको भुला पाना मुश्किल है, लेकिन सतीश कौशिक काफ़ी अच्छे से उस किरदार को निभा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक अपडेट जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे घंटी का और सब्सक्राइब का दोनों के बटन हैं, प्लीज़ इनको प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।